स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। वेलकम बैक टू आवर चैनल माई सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोर्सेज एंड करियर ऑप्शन। तो इसी करियर ऑप्शन को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया कोर्स एंड आप जानने वाले एक नए कोर्स के बारे में। सो इस वीडियो में जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उस कोर्स का नाम है BTES इन इंडस्ट्रियल डिजाइन, यानी बैचलर्स ऑफ डिजाइन इन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। सो जब भी हम डिजाइनिंग की बात करते हैं या फिर यू नो फैशन से रिलेटेड कोर्स की बात करते हैं, तो सबसे पॉपुलर कोर्स जो लोगों को पता ही होता है और बस एक ही पता होता है, वो है फैशन डिजाइनिंग। सो BTES इन फैशन डिजाइनिंग वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है। अगर आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम अपडेट्स करते रहते हैं अबाउट द डिफरेंट करियर ऑप्शन। बट अगर आज की हम बात करें तो ये सिर्फ एक यू नो BTES इन फैशन डिजाइनिंग तक ही लिमिटेड नहीं होता है, इसकी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है। एंड जो स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड नॉलेज नहीं है, मैं आज उनको इससे रिलेटेड नॉलेज देने वाली हूँ। तो बेसिकली आज जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगी वो होंगे कि क्या रिक्रूटमेंट होती है, कैसी रिक्रूटमेंट होती है, कैसी कंपनीज होती है, BTES क्या होता है, मेनली BTES के अंदर इंडस्ट्रियल फैशन डिजाइनिंग क्या होती है, एंड हम ये भी जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फी स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो ये वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन ऑब्वियसली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। सो कमिंग अपॉन द टॉपिक कि BTES इन इंडस्ट्रियल डिजाइन होता क्या है। सो जब हम इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग कुछ भी हो सकता है जो आपको इसमें सिखाया जाता है, बीटी और मोबाइल फोन्स का सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, वो फर्नीचर्स भी हो सकता है, एंड बहुत सारी चीजें इसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग में आ जाती है। तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, तो इट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। नाउ हाउ टू डिजाइन इट, हाउ टू यूज द रॉ मटेरियल एंड टू द फिनिशिंग लाइन, यानी जब उस फाइनल प्रोडक्ट को बना लेते हैं, उसका प्रमोशन कर लेते हैं, कैसे बेचते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यू नो इस कोर्स में पढ़ने को और सीखने को मिलती है। ना इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग का कोर्स आपको इंट्रोड्यूस कराता है टू द वर्ल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, जहाँ पे एक यू नो एक जो क्राइटेरिया होता है कि स्टूडेंट्स को किस कैसे पसंद आता है ये कोर्स या क्या स्किल्स होती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो मिनिमम स्किल्स की अगर हम बात करें कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले होना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी का कीड़ा, यानी आपके अगर क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, एंड डिजाइनिंग के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकते हैं इस फील्ड को, इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। प्लस थोड़ी सी डिजिटल स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू नो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो डिजिटलाइजेशन में जितनी भी हमारे इक्विपमेंट्स की वर्किंग होती है, अगर आपको उससे प्यार है, उससे वर्क करने में इंटरेस्ट है, तो ये कोर्स बेसिकली होता है आपके लिए। ना अगर हम बेसिक की बात करें कि कौन सी की लर्निंग होती है, कौन से एरियाज में हम की लर्निंग यू नो वर्क करते हैं, सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सिलेबस के बारे में मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगी, बट एक थोड़ा सा जो जिस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, तो जो ये प्रोग्राम होता है वो बेसिकली डील करता है कुछ प्रिंसिपल्स पे, एंड बेसिकली आपको बताता है, वो प्रिंसिपल सिखाता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। यानी जैसे कि आपको बैलेंस कैसे करना चाहिए एक प्रोडक्ट मेकिंग में, बैलेंस ये नहीं कि कितना हैवी है कितना नहीं है, ये वाला बैलेंसिंग नहीं होता है। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसके, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, है ना, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, कुछ कुछ क्वांटिटीज़ कम रेशो में यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा में, क्या इसका अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको कौन से राइट क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बैलेंस के टॉपिक के अंदर सिखाई जाती है। नाउ डिजाइनिंग ऑब्वियसली आप टॉपिक से ही समझ गए होंगे कि डिजाइनिंग सिखाई जाती है, यानी ड्राइंग से रिलेटेड। नाउ ये आपका यू नो पेपर ड्राइंग भी होता है, डिजिटली भी सिखाते हैं, आपको लैपटॉप में भी वर्किंग करनी रहती है, तो ये सब आप सीखते हैं। देन आपको डिफरेंट कैसे मूवमेंट्स के रिलेटेड प्रिंसिपल्स रहते हैं वो सिखाया जाता है, फ्रेमवर्क्स काफ़ी रहते थे। एडिटिंग इमेजेस, यानी एडिटिंग भी आपको सिखाई जाती है कि आप जब बनाते हैं तो कैसे क्या आपको एड ऑन करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, सो एडिटिंग भी रहती है। नाउ इन एडिशन टू दिस, टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको सिखाई जाती हैं एंड आपकी स्किल्स भी एनहेंस की जाती है इस कोर्स के अंदर। ना अगर आगे हम इस कोर्स के बारे में बात करें तो मेरे पास बहुत हाईलाइटेड की फीचर्स हैं इस कोर्स के रिलेटेड। तो अगर हम बेसिक से चालू करें तो ये कोर्स है एक बैचलर्स यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स, तो आप अगर ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके हाथ में आती है एक बैचलर्स की डिग्री। नाउ ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज 4 ईयर्स, यानी 4 साल का आपका ये कोर्स होता है, इसके बाद ही आपको एक डिग्री मिलती है आपकी BTES इन इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग की। एंड अगर हम बात करें कैसा सिस्टम रहता है, कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, तो यहाँ पर रहता है आपका सेमेस्टर सिस्टम, यानी 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी
की बात करें तो काफी सिंपल एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। अगर आप 10+2 है, आपने कंप्लीट कर लिया है, आप 10th में 12th में आप सोच रहे हैं करने का, तो 10+2 की बेसिक एलिजिबिलिटी रहती है इन द स्ट्रीम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यानी स्ट्रीम कोई सी भी हो सकती है, बट इट शुड बी योर डिग्री शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इन एडिशन टू दिस आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन भी होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आपके कट ऑफ जाते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, एंड देन इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अलग होता है, सबका खुद का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंड एक बेसिक निफ्ट जो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जाम है जो सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, उसके थ्रू भी एनरोलमेंट मिलती है एंड एडमिशन मिलता है। सो बेसिक जो रहता है आपके 12th क्लास के यू नो एग्जामिनेशन के बेसिस पे, उसका जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलता है, एंड वो जज करते हैं आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे भी। अगर हम कोर्स फीस, बेसिक कोर्स फीस की बात करें इस कोर्स के लिए, तो इसकी कोर्स फीस स्टार्ट होती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि यार एवरेज स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, ऑब्वियसली आप इतने टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच रहे होंगे कि यार फाइनली हम कमा कितना सकते हैं। तो इसकी पोजीशंस बहुत डिफर करती हैं, सिर्फ आप एक डिजाइनर ही नहीं बनते हैं, बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट ओवरऑल आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी, वो हो सकती है 5 से 6 लाख से। तो 1 ईयर में यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स डिग्री 5 to 6 lakhs अर्न कर सकते हैं। ना अगर हम बात करें कि टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी होती है, कैसे टाइप्स की होती हैं, मतलब कौन से सेक्टर की होती हैं, तो आपको मिलती हैं कंपनीज लाइक एडवर्टाइजिंग कंपनीज आती हैं आपको हायर करने के लिए, या फिर ब्रांडिंग विंग्स ऑफ कॉर्पोरेट्स आते हैं, या फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी आती हैं अलग अलग जो अपने लिए यू नो इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग करवाना चाहती हूँ। ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज आती हैं, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटली अगर आप कोई ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं तो आपका वहाँ पे काफ़ी काम रहता है। सो ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनीज आती हैं, बहुत अलग अलग स्टार्टअप्स होते हैं अलग अलग जॉनर के, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आते हैं, तो बहुत सारे। एंड यार डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट दैट गवर्नमेंट कंपनीज भी काफ़ी ऐसे इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स को हायर करती है। ना इंडस्ट्रियल डिजाइनर आपने बहुत सारा सुनिए, लेकिन इसके अलावा कौन से जॉब पोजीशंस अवेलेबल रहते हैं या कौन से आप अटेन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना रहता है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड फिनिशिंग लाइन, जैसे कि आपको वो भी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं। देन आप बन सकते हैं आर्ट डायरेक्टर, देन आप इंडस्ट्रियल डिजाइन रिसर्चर भी बन सकते हैं, एंड देन डेस्कटॉप पब्लिशर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, जैसी कुछ जॉब पोजीशंस होती हैं। इस कोर्स को अगर परस्यू करते हैं तो इन जॉब पोजीशंस में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी डिग्री। ना अगर हम बात करें कि कौन कौन सा सिलेबस, कैसा सिलेबस रहता है, क्या सेमेस्टर सिस्टम में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ना अगर हम बात करें कि बीडेस में आपका 4 साल का जो रहता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कैसी पढ़ाई होती है, तो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का ओवरऑल जो हमें डेटा मिला है वो रहता है कि आप स्केचिंग एंड ड्राइंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अटेन करते हैं, सीखते हैं कैसे ड्राइंग करना है, कैसे स्केचिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट को आपको बनाना है, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट ईयर में मिलती है। देन आप कल्चर डिजाइन, सोसाइटी एनवायरमेंट डिजाइन, क्राफ्ट डिजाइन, कल्चर एंड डिजाइन पार्ट 1 पार्ट 2, फंडामेंटल ऑफ डिजाइनिंग, एंड यस ये आपके ऐसे कुछ रिलेटेड कोर्स रहते हैं फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर की हम बात करें, जिसमें आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर इंक्लूड होता है, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द कलेक्शन एंड एनालिसिस, कि आप कैसे कोई डेटा को कलेक्ट करके फिर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। फिर आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग पार्ट 1 पार्ट 2, मटेरियल्स एंड प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग पार्ट 2, प्रोडक्ट रेंडरिंग एंड इलस्ट्रेशन, जैसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मिलती है। नाउ अगर हम बात करें 5th to 6th सेमेस्टर में, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन इसके अंदर जो होती है उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग, प्रोडक्ट डिजाइन प्रोजेक्ट 3, पोर्टफोलियो मेकिंग, इंटरडिसिप्लिन इलेक्टिव 2, जैसी कुछ फील्ड ऑफ स्टडी में आप पढ़ाई करते हैं। नाउ फिर आता है आपका लास्ट ईयर, कुछ लास्ट सेमेस्टर की बात करें, जो 7 to 8 सेमेस्टर्स होते हैं आपके, फिर इसमें आप पढ़ते हैं सेमेस्टर 9 से रिलेटेड भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, डिग्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, फ्लोटिंग क्रेडिट कोर्स होते हैं, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम होते हैं, प्रोडक्ट डिजाइनिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 4 पार्ट 5, मतलब पार्ट्स में काफी सारी चीजें आपको सिखाई जाती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, डिजाइन मैनेजमेंट सिखाया जाता है। फिर फाइनली आपको आपका प्लेसमेंट आता है, अगर आप प्लेस हो जाते हैं तो आप हैप्पीली अर्न कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सैलरी बताई 5 लाख 6 लाख 7 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी कंपनी में प्लेस होते हैं। अब अगर हम बात कर ही रहे हैं प्लेसमेंट की, तो ऑब्वियसली आप जॉब पोजीशंस तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी है, एक एवरेज स्टार्टिंग सैलरी भी बता दी है, बट हर जॉब पोजीशन की सैलरी अलग होती है, हर जॉब पोजीशन की स्टार्टिंग सैलरी अलग होती है, एवरेज सैलरी अलग होती है, एंड इसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देती हूँ। सो प्रोडक्ट डिजाइनर आपको बनना है, जिसमें आप बेसिकली डिजिटली एंड मैनुअली कोई प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं थ्रू योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वर्चुअल डिजाइंस रेंजिंग फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू मूवीज, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग करते हैं। तो इसकी आप अगर एनुअल एवरेज सैलरी की बात करें तो 5 to 6
6 लाख आप अर्न कर सकते हैं आफ्टर अटेनिंग योर दिस डिग्री। आर्ट डायरेक्टर की बात करें जो रिस्पॉन्सिबल होता है डायरेक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, बीट योर मूवीज का हो सकता है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, प्रैक्टिकल एंड टेक्निकल वर्क जिसमें आपको करना रहता है, तो इसकी आपकी 5 to 7 लाख तक की सैलरी जा सकती है। अगर हम डेस्कटॉप पब्लिशर बनते हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है तो इसमें भी वेरी कर सकती है आपकी अर्निंग, बट इसमें आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा अच्छे से अर्न कर सकते हैं, अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत ही कम सैलरी इसमें मिलती है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर बन सकते हैं जिसमें 4 से 5 लाख आप अर्न कर सकते हैं, आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं जिसमें जैसे कि मैंने बताया 5 से 7 लाख आप इजीली अर्न कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक कि क्या आप बीजेस इन इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग में सीखते हैं एंड क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है या आप जानना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में और इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, तो या तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन अटेन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो डे टू डे अपडेट होता रहता है, हम उसमें आपको नई नई लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, नए नए अपडेट्स देते रहते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू सी आर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दिस वॉज मी निमिषा जिचानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज़ एपिसोड।